जैन साहब, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो हमने ये एक रीसेंट न्यूज़ देखे थे, आप सक्सेसफुल बिडर के तौर पे सामने आए हैं कल्याणी अंडरग्राउंड माइंस के लिए, तो इसके लिए ही हम चर्चा करते हैं। किस प्रकार का पोटेंशियल आप यहाँ पर देख रहे हैं रेवेन्यूज़ के लिए और ऑपरेशंस कब से आप शुरू होते हुए देखेंगे सर? हाँ जी, नमस्कार। ये कल्याणी अंडरग्राउंड माइन अभी हमारे को बिल्डिंग में मिली है, तो इसमें यहाँ से 2 से 3 साल के बीच में स्टार्ट होगी, तीसरे साल में प्रोडक्शन आ जाएगा, ऐसी हमारी उम्मीद है, जैसा हमारा टारगेट है। और ये हमारे को 4.5% रेवेन्यू शेयर पे मिले, हमारे को 4.5% रेवेन्यू जो भी हम माल निकालेंगे उसका 4.5% हमारे को साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड को देना पड़ेगा, बाकी पूरा रेवेन्यू हमारे को मिलेगा। तो बहुत ही कम्पिटेटिव प्राइस पे हमारे को ये माइन मिली है और इसमें उच्ची क्वालिटी का कोयला है, तो हम उम्मीद करें कि करीब करीब 180 से 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस माइन से हमारे को हर साल मिलेगा। बिल्कुल, तो जिस प्रकार का अभी सिचुएशन है और कोयले की डिमांड इस बार समर में फिर से हम देख रहे हैं कि पेंट अप होते हुए दिखेगी, एनर्जी सिचुएशन कैसे आप देख रहे हैं? सप्लाई साइड क्या कोई कंसर्न्स आपको देखने मिल रहे हैं इस बार कोयला के लिए? क्योंकि हर बार जो गर्मी शुरू होती है उससे पहले इसकी चर्चाएं बहुत रहती हैं सर। हाँ, कोयले में तो थोड़ा सा मारामारी रहती है, जैसे जैसे गर्मी आती है तो कोयले की, तो विशेष रूप से जो पावर ग्रेड का कोयला है उसमें मारामारी मस्ती है, तो वो प्रेशर तो लगता है कि रहेगा। गर्मी बढ़ने के साथ कोयले की डिमांड बढ़ेगी उसमें ऐसा लग रहा है, बट हाँ, जितना लास्ट ईयर हुआ था हो सकता है स्थिति उतनी खराब नहीं हो, बट स्टिल देयर विल बी डिमांड विल बी मोर देन सप्लाई। बिल्कुल, तो ये सिचुएशन जो है वो जरूर रहती है। अब आते हैं डिमांड, जैसे ऑन ग्राउंड अगर डिमांड की हम बात करते हैं, कैसे आप देख रहे हैं? बिकॉज नवंबर में जब हमने बात की थी तो देखा था कि ओवरऑल आपने डिमांड बोला था कि बहुत अच्छे से जा रही है, और अभी भी हमने जैसे बात की, अब गर्मी आ रही है और इसके अलावा भी जो बाकी डिमांड होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। नहीं, जहां तक डिमांड का है स्टील सेक्टर में तो डिमांड बहुत अच्छी बनी हुई है जी। आप देखेंगे हमारे एक्सपोर्ट से लास्ट ईयर से इस साल करीब करीब 50% कम हो गए हैं और आयात हमारा बढ़ गया है, उसके बावजूद भी क्योंकि हमारा घरेलू जो कंजम्पशन है वो काफी बढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे काफी काम चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी टैक्सेज काफी हो रहे हैं, तो ओवरऑल स्टील की डिमांड तो अच्छी बनी हुई है और उस हिसाब से प्राइसेस भी हम यदि तीसरी तिमाही से देखते हैं, यदि ये चौथे तिमाही में तो प्राइसेस स्टील की बढ़ी हुई ही है, वहां से काफी बढ़ी है। ओके, लेकिन सर इसकी पिछली तिमाही में हमने जो देखा था फेरो जो हमारे अलॉय बिजनेस है उसमें पर्टिकुलरली थोड़ा सा असर था, और इस वजह से जिसे बोला कि हमारे जो हाई कॉस्ट कोल इन्वेंटरी थी उसकी वजह से भी थोड़ा सा असर आता हुआ हमने देखा था, तो ये सिचुएशन अब बताइए प्रॉफिटेबिलिटी में क्या सिचुएशन है यहाँ पर अभी फिलहाल, और Q4 अगर हम जैसे अब आने वाले वक्त में देखेंगे अब तक में क्या कुछ सुधार आया है यहाँ पर? Q4 में प्रॉफिटेबिलिटी में तो जरूर सुधार हुआ है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हमारे, जैसा आपने भी बोला है कि जो हमारे हाई कॉस्ट की इन्वेंट्रीज थी कोयले की और महंगी जो थी उसके कारण थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा प्रेशर था, इस बार वो नहीं रहेगा, तो वहां से तीसरे तिमाही से चौथी तिमाही में फेरोलॉज की भी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी, बट प्राइसेज अभी भी मोर और लेस उसी लेवल पे चल रही है, तो सेलिंग प्राइस के कारण कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट हाई कॉस्ट इन्वेंट्री के कंजम्पशन के कारण हमारी प्रॉफिटेबिलिटी तो डेफिनेटली सर। तो जो पैलेट प्राइसेस हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन बन रहा है वॉल्यूम्स जिस प्रकार से हैं और एंड ऑफ द ईयर तक में क्या पैलेट प्राइसेस आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? नहीं, पैलेट प्राइसेस तो लास्ट क्वार्टर से काफी इंप्रूव है, जब से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटने के बाद से पैलेट प्राइसेस में अच्छा मूवमेंट आया है, और अभी जो 8-8.5 हजार के रेंज में जो प्राइस चल रही थी अभी 10 हजार के रेंज में वो प्राइस चल रही है, तो उसके बाद से डेफिनेटली डिमांड भी बढ़ी है और पहले प्राइस तो 10 हजार के अराउंड चल रही है, विच ऐसा लग रहा है कि ये सस्टेन हो जाएगी, इस लेवल के आसपास सस्टेन रहेगी प्राइस। बिल्कुल, तो इसको सस्टेन होते हुए हमें देखना चाहिए। अच्छा जैन साहब, ये हाइड्रो पावर के हिसाब से बताइए किस प्रकार का एक्सपेक्टेशन आपका अभी फिलहाल बन रहा है बिटा के हिसाब से FY23 की, अगर हम बात करें 24 के लिए भी क्या प्रकार के एंटिसिपेशन आप लगा रहे हैं एबिटा के लिए? एबिटा तो हाइड्रो को जैसा आपको बताया कि ये एक स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम वाला बिजनेस है, जहाँ पे मोर और लेस एक स्टेबल
प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन होता है। तो जी अभी जैसे हमारा जो एबिटा लेवल था करीब करीब 234 करोड़ था, और अभी ऑलरेडी 9 महीने में हमने 218 करोड़ का एबिटा अचीव कर ही लिया है हाइड्रो बिजनेस से। तो लास्ट ईयर जितना एबिटा और मेंटेन होगा आराम से, तो ये हमारा एक कंसिस्टेंट कैश फ्लो देने वाला एक वर्टिकल है जहां से हमारे को उतना एबिटा रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, क्योंकि स्टील बिजनेस और फेरोलॉजिक बिजनेस में थोड़ा सा कीमत ऊपर नीचे काफी होती है, तो उसके कारण प्रॉफिट कम ज्यादा होते हैं। तो ये एक हमारा मिनिमम अश्योर्ड है जहां से इतना एबिटा रेगुलर बेसिस पे हमारे को मिलेगा। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने समझा इस सिचुएशन को। जैन साहब, अब मैं कर्ज के बारे में समझना चाह रहा था। डेट अभी जो भी सिचुएशन बन रही है उसमें हमने थोड़ा सा बढ़ाया है, और जैसे इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो भी बढ़ती हुई आपको देखने मिलेगी। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं आने वाले वक्त में, जो हमारे प्लान्स हैं उसको देखते हुए डेट और बढ़ाने की कोई योजना है यहाँ से? नहीं, जो हमारे अभी तक जितने एक्सपांशन प्लान हमारे जो फ्रीज हुए हैं उसके लिए तो कहीं भी डेट बढ़ाने की हमारे को जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि करीब करीब हमारे एक कोल माइन हमारी है जिसमें करीब 300 करोड़ का खर्चा होगा, जो मध्य प्रदेश में चालू होने वाली है, अगले 2 साल में वो चालू हो जाएगी। एक माइन अभी ये लिए, उसके अलावा 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं, एक में ऑलरेडी काम चल रहा है, दूसरा जल्दी ही हम काम चालू करेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो इन सब के लिए लगेगा तो हमारे कहीं भी 300 करोड़ रुपए के ऊपर का हमारा आउटफ्लो कहीं प्रोजेक्ट पे नहीं लग रहा। तो आज की डेट में जो जितने प्रोजेक्ट हमने ले रखे हैं उसके लिए हमारा कहीं पे भी डेट बढ़ने वाला नहीं। उसके अलावा ठीक है, कोई अच्छी हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कोई भी अच्छा कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है एक्विजिशन वगैरह, तो वो एक अलग चीज है। बाकी जहां तक अभी तक के जितने प्रोजेक्ट्स हैं या जो हमने ऑलरेडी जिन पे काम चालू किया है या चालू करने वाले हैं जो फ्रीज हो गए हैं, उनमें कहीं पे भी हमारे को इसके कारण लोन बढ़ने वाला नहीं। डेफिनेटली तो लोन नहीं बढ़ेगा, और इसलिए ही मैं मार्जिन के ऊपर भी बात करना चाह रहा था, बिकॉज हमने मार्जिन्स देखे हैं आपके जो स्टेबल जो होते हुए हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट करने हैं आने वाले वक्त में। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं मार्जिन को आने वाले वक्त में, ब्लेंडेड मार्जिन इन पर्टिकुलर? मार्जिन जैसे हमने बताया कि थर्ड क्वार्टर से स्टील की प्राइसेस तो इम्प्रूव हुई है, फेरोलॉजिक में कोई मटेरियल चेंज नहीं है, तो स्टील प्राइसेस में जो इंक्रीज आया उसका बेनिफिट कहीं कहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो थर्ड क्वार्टर के कंपेरिजन में ऐसा लग रहा है। बाकी तो ठीक है, मार्केट वोलेटाइल है, उसका डिफिकल्ट टू टॉक, बट क्योंकि प्राइस इंप्रूवमेंट आया स्टील में तो उसका बेनिफिट कहीं कहीं दिखना चाहिए। तो मार्जिन सर स्टेबल है, टुवर्ड्स थर्ड क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो इट शुड बी लिटिल बेटर एज कंपेयर टू ऑन द स्टील साइड। डेफिनेटली सर, और वैसे भी हमारा ये जो सिक्किम हाइड्रो पावर प्लांट है और इसके अलावा जो कमीशनिंग भी शुरू हो जाएगी तो इससे भी एक फर्क जरूर पड़ेगा। तो क्या इफेक्ट्स आते हुए देख रहे हैं आप आने वाले वक्त में? जी सर, जो सिक्किम वाला जो प्लांट है वो तो लास्ट ईयर 2021 में ही हमारा चालू हो गया था जून में। जी जी जी, उसका इफेक्ट तो लास्ट ईयर भी आ चुका था, 21-22 में भी 9 महीने का तो आ ही गया था, और इस बार भी उसका तो सिक्किम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण तो अभी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट हाँ, जैसे कोल माइंस का लास्ट ईयर जनवरी में ही चालू हुई थी, तो 22-23 में कोल माइंस के कारण थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट आया। नेक्स्ट ईयर में हमारी कैपेसिटी और हमारे प्लान है कि जो अभी 12 लाख टन की हमारी कैपेसिटी कोल माइंस की, उसको बढ़ा करके और पीरियड ऑफ टाइम पहले थोड़ा सा 14 लाख 40 हजार ले जाएंगे, फिर उसको 18 लाख तक ले जाने का प्लान है। उसके कारण हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में एक कोल से भी कंट्रीब्यूशन ग्रेजुअली बढ़ेगा। एक माइन अभी चल रही है, दूसरी माइन 2 साल के अंदर ये चालू हो जाएगी, तीसरी माइन का ही जो मिला है बहुत लो रेवेन्यू शेयर पे हमारे को मिला, तो इसके भी बेनिफिट आने वाले सालों में कहीं कहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल, तो ये सारी सिचुएशन तो हम जरूर ध्यान में रखेंगे ऑब्वियसली सर। अब इसके अलावा कोई बड़ी और बिडिंग के ऊपर आपकी नजर है या आने वाले वक्त में कोई बड़ी योजनाएं हैं, मर्जर एक्विजिशन, इसके लिए आपका कोई फोकस? नहीं, वो तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम रेगुलर बेसिस पे इवैल्यूएट करते रहते हैं अपॉर्चुनिटीज वगैरह। अब कब होती है नहीं होती वो एक अलग चीज है, बट वो तो एक बिजनेस का हिस्सा ही है जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करते हैं। जी ठीक है सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया।